अमेजिंग चॉकलेट पेस्ट्री। बिना अंडा, बिना ओवन और बिना किसी व्हिप क्रीम के देखिए क्या बढ़िया पेस्ट्री बनी है दोस्तों। इस पेस्ट्री की खास बात है इसका मेल्ट इन माउथ डिलीशियस फ्रोस्टिंग। और स्पंज देखिए, जितना सॉफ्ट उतना स्पंजी और उसे कई गुना टेस्टी भी है ये। तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये रेक्टेंगल शेप का टिन लिया है। आप चाहो तो स्क्वायर भी ले सकते हो, और स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं है तो राउंड टिन यूज़ करके चारों साइड से केक को कट करके रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए अब अच्छे से तेल लगाने के बाद एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर इसमें रख देना। पेस्ट्री का बैटर बनाने के लिए एक बाउल में छलनी रख कर इसमें पहले 1.5 कप मैदा डालेंगे हम। 1.5 कप मतलब 200 ग्राम। अब सुपर डार्क सुपर टेस्टी स्पंज के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1/4 कप टच प्रोसेस कोको पाउडर। ये ना मिले तो आप नॉर्मल कोको पाउडर भी ले सकते हो, पर कलर और टेस्ट टच प्रोसेस कोको पाउडर ही ज़्यादा अच्छा लाएगा। अब इसमें जाएगी 1/4 कप मिल्क पाउडर, साथ में ही 1.5 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल देना। इन्हीं के साथ 1 पिंच नमक डालो ना तो टेस्ट और अच्छा आएगा। चलिए अब एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे हम। छानने से इसमें से लम्स भी मिट जाएंगे और साथ में ही मिश्रण में हवा मिलकर बैटर थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया। अब दूसरे बाउल में ये जाएगी 1 कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी। रेगुलर शुगर अगर आप लेते हो तो इससे थोड़ी सी कम लेना। और अब इसी कप से 1 कप से थोड़ा सा कम दूध भी इसमें डाल देना। चलिए बाकी चीज़ें भी साथ में ही डाल देते हैं। तो 1/2 छोटा चम्मच वनीला एसेंस और 3/4 कप मतलब 80 ml रिफाइंड ऑयल भी इसमें डाल देंगे। सनफ्लावर, राइस ब्रान, कोई भी कम फ्लेवर का ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर लिया तो भी चलेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला देना, बहुत अच्छे से मिलाना। और अब ये छाने हुए ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देना। मैंने ये सारा मिश्रण एक साथ ही डाला है, आप चाहो तो इसे 2 बैचेस में डालकर मिला सकते हो। पहले से धीरे धीरे से ही मिलाना, और जब सारी चीज़ें इसमें आ जाए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए इसे मिलाते जाना, ताकि इसमें से सारी लम्स मिट जाए और बहुत ही स्मूथ बैटर बने। ये देखिए, इस तरीके से बैटर बनाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच विनेगर। विनेगर को इस तरीके से बैटर में धीरे धीरे से मिलाना। पहले ओवर मिक्स बिल्कुल भी ना करना, जब पूरे बैटर में ये अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, इस तरीके से ये हल्का हुआ है। तो इसे इस टिन में डालकर पूरा बैटर डालने के बाद थोड़ा सा थपथपाना इसे, फिर प्रीहीटेड पतीले के अंदर रखकर 30-35 मिनट या अच्छे से बेक होने तक लो फ्लेम पर ढककर रखेंगे हम इसे। अराउंड 35 मिनट के बाद केक अच्छे से बेक हुआ है दोस्तों। बाहर निकाल कर मैंने इसे 5-10 मिनट ठंडा होने दिया है। और अब ठंडा होने के बाद नाइफ की हेल्प से पहले इसे साइड से लूज करना और फिर एक प्लेट में इसको पलट देना। देखिए दोस्तों, केक अच्छे से बेक हुआ है, काफ़ी हल्का भी है ये। अब इसे साइड में रखकर चलिए बनाते हैं मेल्ट इन माउथ डिलीशियस चॉकलेट फ्रोस्टिंग। उसके लिए एक बाउल में मैंने ये एक रूम टेम्परेचर वाला बटर लिया है। टोटल 150 ग्राम बटर लेना। पहले हमें इससे बटर क्रीम बनानी है। मार्केट में अलग अलग ब्रांड की आइसिंग शुगर मिलती है, आपके पास अवेलेबल कोई भी आइसिंग शुगर इस्तेमाल कर सकते हो। और इनके साथ आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो फिर पाउडर शुगर को 2-3 बार अच्छे से छान कर फिर यूज करना। पर शुगर जितनी अच्छी, क्रीम उतनी सॉफ्ट बनेगी। तो एक छलनी रख कर इसमें मैं डालूंगी 1/4 कप मतलब टोटल 200 ग्राम आइसिंग शुगर। इसी के साथ 3-4 बड़े चम्मच आप इसमें डच प्रोसेस कोको पाउडर भी डाल देना। और अब इन सारी चीज़ों को छान कर लेना अच्छे से। पहले हम इन तीनों चीज़ों को चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से मिलाएंगे, ताकि ये दोनों ही पाउडर बटर के साथ अच्छे से मिल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके की सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे विस्क की हेल्प से भी थोड़ा सा बीट करना। तो ये हो गई अपनी डिलीशियस चॉकलेट बटर क्रीम।
इसे साइड में रखकर ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 400 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है। आप चाहो तो इसे थोड़ा सा घिस कर या काट कर यूज़ कर सकते हो, या जैसे मैं कर रही हूँ सारा का सारा डार्क कंपाउंड एक पैन में निकाल कर बस चम्मच से इसे थोड़ा सा क्रश करके यूज़ करना। गर्मी बहुत है ना, तो रूम टेम्परेचर पर भी चॉकलेट बहुत सॉफ्ट रहता है। अब यहाँ पर मैंने ये एक 250 ml का फ्रेश क्रीम का पैकेट लिया है। ये पूरी 250 ml फ्रेश क्रीम इसमें डाल देना, और अगर फ्रेश क्रीम नहीं है आपके पास तो इसके बदले इतना ही दूध आप डाल सकते हो। पर फ्रेश क्रीम की यूज़ से केक की टेस्ट और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आएगी। तो दोस्तों आपकी चॉइस है, दूध या फ्रेश क्रीम जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ करना। अब इस चॉकलेट और फ्रेश क्रीम के पैन को गैस पर लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए रखना। बेसिकली हम इसे बना रहे हैं चॉकलेट गनाश, तो लो फ्लेम पर बीच बीच में इसे चलाते रहने पर बस कुछ मिनटों में ये चॉकलेट गनाश बनकर रेडी है। ये देखिए, फ्लेम को तुरंत बंद कर देना। और अब इस चॉकलेट गनाश के टोटल 4 हिस्सों में से बस एक हिस्सा एक बाउल में निकाल कर रखना, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इस पैन के चॉकलेट गनाश को तुरंत बटर क्रीम के इस बाउल में डाल देंगे। बस एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बटर क्रीम में डालते वक्त गनाश गर्म हो, तभी यह बटर क्रीम के साथ अच्छे से मिल पाएगा। तो पहले हम बस एक स्पैचुला की हेल्प से बटर क्रीम और चॉकलेट गनाश को मिलाते जाएंगे। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया स्मूथ बनी है क्रीम, पर फिर भी एक बार हम इसे इस तरीके से मशीन से बीट करेंगे ताकि इसका टेक्सचर और बढ़िया आए। दोस्तों हो सकता है आपने अलग से बटर क्रीम या फिर चॉकलेट गनाश कई बार खाया होगा, पर इन दो डेलिकेसीज को इस तरीके से मिलाओ तो बहुत ही बढ़िया फज क्रीम बनी है। ये भी काफ़ी डिलीशियस लगती है। 10 मिनट आप इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख देना। उसके बाद ये देखिए, काफ़ी अच्छी गाढ़ी हुई है। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा टाइट लगे तो आप इसमें एक चम्मच दूध डालकर मिला सकते हो, पर बहुत ज़्यादा दूध ना डालना ताकि ये पतली ना हो जाए। दूध डालकर थोड़ा सा फेंटना इसे, तो बहुत ही अमेजिंग चॉकलेट फज क्रीम बनकर तैयार है। यहाँ पर केक भी काफ़ी अच्छे से ठंडा हुआ है, तो ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन हटा देना पहले। और अब हम इसे 3 लेयर्स में काटेंगे। मैंने थोड़ी सी पतली पतली लेयर्स बनाई है, आप चाहो तो केवल 2 ही मोटी लेयर्स बनाओ तो भी चलेगा। ये देखिए, ये लेयर्स भी रेडी है। एक छोटे से बाउल में 2 इंस्टेंट कॉफ़ी के सैचेस खाली कर देना, साथ में ही इसमें थोड़ी सी पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे हम। और अब इसमें जाएगा ये थोड़ा सा गर्म पानी, अच्छे से मिलाओ सबको। तो ये अपना कॉफ़ी शुगर सिरप भी रेडी है। आगे का काम इजी और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले मैंने केक के एक लेयर को वुडन बोर्ड पर रखा है, इसे शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करना। और बढ़िया से मॉइस्ट करने के बाद इस चॉकलेट फज क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भरा है हमने। ये देखिए, इसे इस तरीके से केक पर लगाते जाओगे ना, बाद में आपका क्रीम को फैलाने का काम भी काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया, कितनी स्मूथ लग रही है ना क्रीम। चलिए इस तरीके से थोड़ा सा क्रीम को फैलाना पहले। और अब केक की सेकेंड लेयर भी इस पर रख देना, इसे भी सेम वे से पहले अच्छे से मॉइस्ट करना और क्रीम की बढ़िया सी लेयर इस पर भी लगा देना। एक्चुअली क्रीम हमने ऑलरेडी काफी अच्छी लगाई है, तो फैलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस इसे थोड़ा सा प्लेन करना और इस पर अब केक की लास्ट लेयर रख देना। तो दोस्तों फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करके इस डिलीशियस क्रीम से मैंने इस लेयर को भी मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अब साइड में भी थोड़ी सी क्रीम लगा देना। दोस्तों अगर ये प्रोसेस करते हुए आपको लगे कि क्रीम ज़्यादा पतली है तो इसे 5-6 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख सकते हो। मैंने भी इसे इतना कवर करने के बाद 5 मिनट फ्रीज़र में रखा था,
और अब देखिए कितना इजीली फिनिशिंग हो रहा है इसका। इस तरीके के फिनिशिंग के लिए स्क्रैप पर या कोई थोड़ा सा थिक कार्ड भी मिल जाए तो भी चलेगा। स्क्वायर केक में मेनली इसके कॉर्नर्स इम्पोर्टेंट है, उसके फिनिशिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब इसे भी फिक्स सेट होने के लिए फ्रिज में रख देना। और अब ये देखिए, जब इस तरीके से अच्छे से सेट हो जाए ये, तो बिल्कुल सावधानी से इसे उठाकर ये देखिए इस जाली पर ट्रांसफर करेंगे हम। स्पैचुला और पैलेट नाइफ को धीरे से निकाल देना। और अब जो अपना बचा हुआ चॉकलेट गनाश था ना, इसे हम केक के टॉप पर पोर करेंगे। देखिए ये स्टेप्स कंपलसरी नहीं है, आप फज क्रीम पर ही कुछ डेकोरेशन करके, वैसे भी इन पेस्ट्रीज को यूज करो तो भी चलेगा, पर इस चॉकलेट गनाश से केक का टेस्ट और लुक दोनों ही दुगना हो जाएगा। अब इसे हम पहले काफी अच्छे से सेट होने देंगे और उसके बाद पेस्ट्रीज काटेंगे। जितने अच्छे से ये सेट होगा ना पेस्ट्रीज, उतने अच्छी कटेगी। देखिए कुछ 2-3 घंटों में केक काफी अच्छे से सेट हुआ है। पहले मैं इसका साइड का थोड़ा सा पोर्शन कट कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल सावधानी से कट करना। और अब दूसरे साइड से भी ऐसे ही कट करेंगे हम। बाकी की 2 साइड से कट करने की जरूरत नहीं है। अब पहले हम इसके सेंटर में कट लगाकर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और अब मैं इसे रेक्टेंगल शेप के 8 पेस्ट्रीज काट लूंगी। पेस्ट्रीज की साइज शेप अब आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हो। बचे हुए चॉकलेट गनाश को फ्रिज में रखकर गाढ़ा किया है मैंने। इसी को हम पेस्ट्रीज के ऊपर भी डिजाइन बनाने में यूज करेंगे। तो दोस्तों आप भी ऐसी यम्मी पेस्ट्रीज एक बार जरूर बनाकर देखना। अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।